चंडगढ़ के राधा कृष्णा विहार कॉलोनी में देर रात हथियारबंद बदमाशों ने घुसकर लूट की वारदात का अंजाम दिया। बदमाशों ने फायरिंग कर परिवार को डराया और बंदूक की नोक पर सभी को बंधक बनाकर घर में रखे गहने और लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। मामले की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने घर का मौका मुआयना किया और मुकदमा दर्ज कर लुटेरों की तलाश में जुट गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता इंद्रजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, क्या कुछ पूरा मामला था? निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। मैं आपको बता दूं कि देर रात 2 बजे जो बदमाश है राधा कृष्ण विहार कॉलोनी स्थित एक मकान जो सुरेश चंद लखोटिया मार्बल व्यवसायी का था, उनके घर में ये प्रवेश हुए। सबसे पहले जो बुजुर्ग एक महिला थी उनके मुंह पे टेप बांधी गई, हाथ पैर बांधे गए। उसके बाद में जो सभी जो अंदर परिजन सो रहे थे सभी को जो है हाथ पैर और मुंह जो है पूरी तरह से बांध दी गई। उसके बाद में जो इनका परिवार का जो एक द्वेता है वो ब्यावर से आया हुआ था, उसके कनपट्टी पे बदमाशों ने बंदूक तान दी और उसको ये कहा कि अगर ज्यादा बोला तो पूरे परिवार के लोगों को खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद में परिवार के लोगों में दहशत का माहौल था। बदमाशों ने बिल्कुल शातिराना तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। जो अलमारी के अंदर एक बक्सा रखा था जिसमें नकदी और ज्वेलरी थी, पूरी शातिराना अंदाज से जो वो लेकर गए। उसके बाद में सबसे बड़ी बात ये कि जो सीसीटीवी जो फुटेज थे उसकी डीवीआर भी साथ ले गए। सबसे बड़ी बात ये कि लगातार जो शहर में चोरी की जो वारदातें हो रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही और कहीं ना कहीं पुलिस की जो है वो लापरवाही है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल इंद्रजीत, क्या फिलहाल बदमाशों की पहचान पुलिस कर पाई है? निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो बदमाश है काफी शातिराना अंदाज से बदमाश जो प्रवेश हुए, क्योंकि पूरी तरह से वो जो है मास्क उन्होंने पहना हुआ था। फिलहाल जो है पुलिस जो है डीवाई एसपी भूपेंद्र शर्मा और जो थाना प्रभारी मनीष चारण भी है जो फिलहाल मौके पर पहुंचे और घटना के आसपास में जहां भी सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी खंगाले जा रहे हैं और स्पेशल टीम की सहायता जो साइबर सेल है उसकी भी मदद ली जा रही है कि कौन उस समय कौन कौन से फोन लोकेशन थे उनकी भी जो पुलिस अब तलाश कर रही है और जल्द ही पुलिस का ये दावा है कि जल्द ही इन बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। जी बिल्कुल इंद्रजीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो कमरे में सो रहे थे, सब आप आपके अलग अलग कमरे में सो रहे थे। 4 जने आए थे जो पहले तो मैसेज के हाथ पैर बांधे थे, उसके बाद में मेरे मुंह के ऊपर 2-4 मुक्के रख के और मुंह को पैक कर दिया और ज़्यादा बोलने लगा तो मेरे को बोला कि गोली मार देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। तो ये सामान था, गोल्ड कैश सब ले गए, तिजोरी भी थी, एक लॉकर टाइप का था वो भी चला गया। 4 लोग थे और वो लोग उनमें से शायद एक जना ऊपर घर के ऊपर चढ़ के बैठ गया था और उसने नीचे साइड वाला गेट खोल दिया था। और मतलब जैसे उन्होंने सबसे पहले मेरे हिसाब से नाना नानी पे हमला किया, उनको दबोचा और क्या नाम है मेरी बड़ी वाली नानी के ऊपर भी हमला किया। मैंने आवाज़ सुनी तो मैं उठ के मतलब गेट खोला, मैंने कहा कौन है, तो 3 जन अंदर आए, उन्होंने मतलब मुझे पहले तो मारा पीटा, बहुत गाली गलौज करी और फिर मेरे से बाल खींच के पूछते हैं कि क्या नाम है संजय लखोटिया कौन है और क्या नाम है तुम उसके क्या लगते हो और पैसे कहाँ बढ़े हैं ये पूछा। और फिर मतलब मैं जैसे तैसे भाग गया यहाँ से बाई के मतलब हमारे जो नानी जी के कमरे में। उसके बाद में मतलब वो चिल्ला रहे थे तो वो अंदर आया, उसने 2-3 बार मतलब उनके चिल्लाने की वजह से मेरे को पीट दिया। उसके बाद में मैं हिम्मत करके मैंने कहा कि मैं बाहर आके देखता हूँ कि क्या हुआ। मैं बाहर आया, बाहर देखा तो वो 4 जने खड़े थे, सबके पास गन थी, मेरे हिसाब से पिस्टल ही थी।